और दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हाई स्कूल की फिजिक्स का पेपर लीक हो गया है। सेलवाड़ा परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया पर ये अब जो प्रश्न पत्र है वो वायरल हो गया है। 7 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं कलेक्टर और SP, लेकिन 7 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हो चुका है। दमोह से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर सेलवाड़ा परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ है, सोशल मीडिया पर ये जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, वो वायरल हो चुका है। 7 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज किया जा चुका है। परीक्षा केंद्र अब कलेक्टर और SP भी पहुंचे हैं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी दमोह से, जहां पर परीक्षा केंद्र अब कलेक्टर और SP पहुंचे हैं। दरअसल पेपर लीक का ये मामला सामने आता है। संजय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? पेपर लीक का ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है, लेकिन अभी इसको लेकर के कलेक्टर और तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, क्या और जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, तेंदुखेड़ा के सेलवाड़ा परीक्षा केंद्र है, ये हाई स्कूल कक्षा 10वीं का विज्ञान का प्रश्न पत्र था, जिसकी ये लीक हो गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर जो है वो प्रश्न पत्र को वायरल किया गया था। बताया जाता है यहाँ जो भ्रष्ट है उसके द्वारा ये कृत्य किया गया। 8:47 पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल को इस बात की जानकारी लगी, जिनके द्वारा दमोह कलेक्टर को ये पत्र भी दिया गया। साथ ही ये जो वायरल था प्रश्न पत्र, इसकी पिक भी डाली गई, जिसके बाद दमोह कलेक्टर SK चेतन एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे थे। 7 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। कुछ ही समय के बाद दमोह कलेक्टर इसको लेकर विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन संजय, परीक्षा केंद्र में कलेक्टर और SP भी पहुंचे हैं, जैसे ही पेपर लीक की जानकारी बच्चों को भी मिलती है, परिजनों को मिलती है, प्रशासन की टीम को मिलती है, उसके बाद हलचल तेज हो जाती है। और खास करके जो परीक्षा केंद्र के बाहर भी जो अभिभावक इंतजार कर रहे थे, उनमें भी इस बात को लेकर के हलचल हो जाती है कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ, नाराजगी है। जी मैं आपको बता दूं कि नाराजगी साफ जाहिर है, लेकिन इसको पेपर लीक होने के बाद आउट नहीं माना गया है, क्योंकि 8:47 पर बच्चे अंदर हो गए थे और उसके बाद ये स्थानीय जो ग्रुप मैसेज डाला गया है, इसके चलते इसे लीक तो है लेकिन इसे पेपर आउट नहीं हुआ। तो दमोह कलेक्टर का ये कहना है कि मामले में जांच जारी है, जो भी दोषी पाए जाएंगे लगातार कार्रवाई की जाएगी। साथ के विरुद्ध FIR दर्ज की है। तेज जो है वो कुछ समय के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद विस्तार से दमोह कलेक्टर SK चेतन जानकारी देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी के लिए। तो सेलवाड़ा परीक्षा केंद्र से पेपर लीक का मामला सामने आता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। पेपर लीक मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने ही बयान से पलट चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक CM शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद मंत्री के बयान बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, विपक्ष पेपर लीक होने का भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस के लोग और एक ग्रोह जो है ये सब भ्रम पैदा करना चाहते हैं समाज में। 8:30 के बाद में जब 8 बजे परीक्षा के हाल में बच्चे बैठ जाते हैं, उसके बाद ही सारे जो प्रश्न पत्र है वो बाहर आए। एक दिन पहले या रात में जितने भी वायरल हुए प्रश्न पत्र के नाम से वो फर्जी पाए गए। इसका मतलब 8:30 बजे के पहले किसी भी दिन एक भी प्रश्न पत्र बाहर नहीं गया है। एक ग्रोह है योजनाबद्ध तरीके से सरकार के इस सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं, बच्चों को लूटना चाहता है। हमने उन सब के खिलाफ FIR दर्ज की है, कार्रवाई की जा रही है। हमने 19 शिक्षकों भी, हमारे शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है, और यदि इस प्रकार से कोई भी गोपनीयता भी भंग करेगा उनको भी हम जेल में डालने का काम करेंगे। सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। पेपर बाहर निकलता बच्चों तक, बच्चे जब स्कूल में पहुंच गए हैं, क्लास में बैठ गए हैं, उसके बाद बाहर गया है। हमने सारी जांच करा ली है, पूरी एक्सपर्ट लोगों से जांच हो गई है, और इसलिए हम परीक्षा भी यथावत रखेंगे। किसी प्रकार की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि इस परीक्षा में इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ है, केवल भ्रम फैला लेने की कोशिश की जा रही है। और लाडली बहना योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, जरा सीधे आपको तस्वीरें दिखा